बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से इंसान का सिर्फ इबादत का ताल्लुक तो नहीं ना, बल्कि सबसे पहला ताल्लुक जो इंसान और अल्लाह के दरमियान कायम हुआ वो मोहब्बत का था, और मोहब्बत का है और मोहब्बत का ही रहेगा। इंसान को ये मान है कि वो मोहब्बत करता है मुझसे, और अल्लाह को ये मान है कि मेरा बंदा यकीन रखेगा मुझ पे। हम तो शायद उसका मान सलामत नहीं रख सके, मगर हैरत है उसकी मोहब्बत में फिर भी कोई कमी नहीं आई। वो कई नाफरमानियों के बाद भी हमें सुनता है, हमारी दुआएं कबूल करता है, हमारी तकलीफ को समझता है। और जानते हो यकीन क्या है कि जब वो इंतज़ार का कहे तो इंतज़ार किया जाए, जब वो किसी चीज़ को दूर कर दे तो उससे दूर रहा जाए, जो वो हथेली पर रख दे उसे दिल में बसा लिया जाए, और अपने तमाम फैसलों पर उसके फैसलों को तरजीह दी जाए, उससे मोहब्बत की जाए। जो चीज़ उसको नाराज़ करती है उसे फिर मुड़कर कभी ना देखा जाए। कायनात की तमाम तकलीफ एक तरफ और अल्लाह से दूर जाने का दुख एक तरफ, तो क्या उससे जुदा होकर रात को नींद आ सकती है? क्या उसको नाराज करके सुकून मिल सकता है? अगर ऐसा होता तो वो कभी इंसान का सुकून अपने जिक्र में ना छुपाता, अगर ऐसा होता तो वो कभी सजदा ना बनाता, अगर ऐसा होता तो इंसान का वजूद कभी भी अल्लाह के बग़ैर इतना बेमाने और ख़ाली ना होता। उसको खुद में बसा कर देखो तो मुकम्मल हो जाऊंगी। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।